एक बार एक साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसकी पत्नी जो थी उसको बहुत मारती थी, बात बात पे मारती थी। पूरी दुनिया को पता था कि ये साइंटिस्ट जो है इसकी पत्नी बड़ी खतरनाक है, मारती रहती है, इसलिए भाई बच के रहो। तो एक नया लड़का था, उसने कहा कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे, जबरदस्ती कह रहे हैं तुझे शादी करनी पड़ेगी। उसने कहा चल उन साइंटिस्ट के पास चलता हूं, उनका नाम था सोक्रेटिस, उनके पास चलता हूं, उनसे जाकर के पूछूंगा कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो तो जरूर मना कर देंगे वो, क्योंकि खुद दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना, वो खुद जले हुए हैं तो मुझे भी मना करेंगे। वो आदमी गया सोक्रेटिस के पास में, और सोक्रेटिस से जाके कहने लगा, बोले मेरे पिताजी बड़े मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तू शादी कर ले शादी कर ले शादी, आप ही बताओ मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसको लग रहा था कि ये बोलेंगे मत करो, लेकिन जवाब उल्टा मिला। सोक्रेटिस बोले अरे जल्दी से जल्दी कर लो। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले क्यों शादी नहीं करनी? नहीं शादी तो करनी चाहिए, लेकिन आप तो आपके बारे में तो सब जानते हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे, आपको तो मुझे मना करना चाहिए। बोले भाई डर क्यों रहे हो? बोले यदि मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं आई तो? तो बोले तुम भी मेरे जैसे साइंटिस्ट बन जाओगे, मैं आज साइंटिस्ट बनाऊं उसमें मेरी पत्नी का ही हाथ है। तत्व चिंतक, बहुत बुद्धि विवेक वाला आदमी तभी बनता है जब पत्नी थोड़ी सी डंडा पंडा चलाने वाली आ जाए तो। इसलिए पत्नी अनुकूल हो तो भगवान की कृपा, लेकिन पत्नी यदि प्रतिकूल हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। फिर घर में ज्यादा मन नहीं लगेगा, इसलिए कथा में आकर के बैठो, यहां आनंद ले लो।